देख रहे हैं SBN9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से दिग्गज चेहरे जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उसमें सबसे चर्चाओं में नाम आता है जगदीश शेट्टार का। शेट्टार यही चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिले और वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। शेट्टार ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी से ये भी कहा था, मोदी सरकार से ये कहा था कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, वो आगामी 6 महीने तक चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके बाद वो इस चुनावी मैदान से संन्यास ले लेंगे। सिर्फ वो इतनी ही मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बिहार पे क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस को शामिल कर लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर बखूबी हमलावर साबित होते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शेट्टार का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ टिकट देना एक बात नहीं है, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है और यहाँ पर उनकी उम्मीदों को तोड़ा गया है। मैं कांग्रेस से पूरी उम्मीद लगाता हूँ कि यहाँ पर मुझे अच्छा अनुभव मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से रहने के बावजूद भी, चुनाव लड़ने के बावजूद भी उन्हें यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से मुझे पार्टी में शामिल करने का ऑफर देगी तो भी मैं उसे स्वीकार करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अब मरते दम तक कांग्रेस पार्टी का साथ दूंगा और उसी के साथ चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आऊंगा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई जगदीश शेट्टार जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं उसके कायम रह पाएंगे, कांग्रेस में रहते हुए चुनाव जीत पाएंगे? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।